हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक स्टॉक के बारे में जो आने वाले टाइम में किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है, आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, इंपॉर्टेंट लेवल की भी बात अपन इसके अंदर करेंगे, और जो लोगों के पास ये बजाज फाइनेंस का स्टॉक पड़ा हुआ है ना, तो उनको मैं स्टॉप लॉस भी दूंगा, कहाँ पे आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट देखी जा रही है, और अगर इंपॉर्टेंट जोन की बात करें जहाँ पे से स्टॉक मुझे पूरी की पूरी घूमने की उम्मीद है दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट जोन निकल के आ रहा है ये वाला जो सपोर्ट वाला जोन है। प्रीवियसली अगर आप लोग देखोगे ना, तो ये पूरा का पूरा एक सपोर्ट वाला जोन है। प्रीवियसली इसने मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिजेक्शन लिया था, और उसके बाद में जैसे ही स्टॉक ने एक ब्रेकआउट किया ना, एक वन वे रैली अपने स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिली। फिर अगर आप लोग देखोगे ना, तो ये ट्रैपिंग जोन है। यहाँ पे इसने क्या किया, नीचे के साइड में बियर्स को बुलाया, और फिर एक इतनी बड़ी स्पाइक देखने के लिए मिली। ट्रैपिंग लेवल का इंपॉर्टेंस यहाँ पे आप लोगों को दिखता ही होगा। अभी अगर आप लोग देखोगे ना, तो स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट एरिया के आसपास है, और यहाँ पे से मुझे दोस्तों एक रिवर्सल देखने के लिए मिल रहा है। ये जो दो तीन कैंडल्स बन रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, स्टॉक आने वाले टाइम में इसी लेवल का सपोर्ट लेते हुए आप लोगों को मे बी मोर देन लोअर थोड़ा सा नीचे आएगा, और मे बी यहाँ से थोड़ा सा एक अपर साइड के मोमेंटम अपने को देखने के लिए मिल सकती है। अगर रिट्रेसमेंट भी हुआ तो वो स्टॉक कहां तक जा सकता है, मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे ना दोस्तों, तो अपर साइड से मुझे एक ट्रेंड लाइन देखने के लिए मिल रही है, जो ये मल्टीपल टाइम ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन करते हुए अपने डाउन साइड के मोमेंटम को कर रहा था। प्रीवियसली अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिजेक्शन लिया, सेकंड टाइम की बात करें तो सेकंड टाइम, उसके बाद में थर्ड टाइम यहाँ पे, और उसके बाद में फोर्थ टाइम एक्जैक्टली इन्हीं लेवल के आसपास इसने क्या किया था, रिजेक्शन लिया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर मैं आप लोगों को नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊँ जिसका ये मे बी सपोर्ट ले सकता है, इसका मल्टीपल टाइम इसने मे बी यहाँ पे सपोर्ट लिया था। अब फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद में सेकंड टाइम एक्जैक्टली इन्हीं लेवल के आसपास लिया, और अभी अगर आप लोग देखोगे ना, तो यहीं पे होवर कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, मे बी ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को प्रीवियसली बताया है, पूरा का पूरा जोन है ये स्टॉक, जोन के आसपास से कहीं से भी घूम सकता है, तो ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट लेके ऊपर के साइड मोमेंटम कर सकता है। मैं यहीं पे इसके अंदर बाइंग का प्लान कर रहा हूँ। जो लोगों के पास ये स्टॉक नहीं है और उनको होल्डिंग में चाहिए, तो स्टॉप लॉस अपना लगा सकते हो 5200 के आसपास का। 5200 का स्टॉप लॉस कटेगा तो इसमें से निकलने का प्लान मैं बनाऊंगा, और मिनिमम मेरा टारगेट रहेगा दोस्तों 6800। जो लोगों के पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है ना, तो वो लोगों को मे बी यहाँ पे आप लोगों को 5200 का स्टॉप लॉस लगा लेना है, और टारगेट की बात करें तो 6800 तक ये स्टॉक जा सकता है। और फर्स्ट टारगेट अपना रहने वाला है नियर बाय, अगर आप लोग देखोगे ना, तो फर्स्ट टारगेट अपना रहने वाला है 6300 वाला एरिया। तो अपनी एंट्री पॉइंट कहाँ पे होने वाली है दोस्तों, थोड़ा सा पुलबैक अपने को कंटिन्यू पुलबैक ही मिल रहा है, तो 5800 पे मैं बाइंग करूंगा। और टारगेट की बात करें तो 6300 का पहला टारगेट, सेकंड टारगेट की बात करें दोस्तों तो 6800 का पहला टारगेट। हालांकि ये इसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अपना रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे अचीव हो रहा है। स्टॉप लॉस 5212 का स्टॉप लॉस यहाँ पे। इसी तरीके से अपनी एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस पॉइंट, सभी टारगेट पॉइंट बन रहे। इसी तरीके के लाइव एनालिसिस आप लोगों को अपने चैनल के ऊपर मैं डेली दिखाता हूँ दोस्तों, आप लोग चैनल का बेनिफिट ले सकते हो, सब्सक्राइब करो। उसके बाद में आप लोगों को अर्ली मॉर्निंग डेली शॉर्ट्स के थ्रू निफ्टी बैंक निफ्टी का भी ओवरव्यू मैं प्रोवाइड कर देता हूँ नॉलेज के लिए दोस्तों। इसी तरीके की नॉलेज आप लोग देख देख के सीख सकते हो, और समझ सकते हो किस तरीके से पैटर्न्स को फाइंड आउट करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।